की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, रूस ने हेलीकॉप्टर की मदद से यूक्रेनी बख्तर बस गाड़ी को तबाह कर दिया है। रूस में डोनेस्क पर हमला किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महायुद्ध के बीच में हम आपको बता रहे हैं। डोनेस्क में रूस का ये बड़ा हमला है। यूक्रेन की बख्तर बंद गाड़ी को एक बार फिर से यहाँ पर निशाना बनाया गया है। रूस अपने हमलों को कम करने का नाम नहीं ले रहा और इसी बीच में यूक्रेन की बख्तर बंद गाड़ी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुछ ही घंटों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरे शहर में तबाही आ गई। सड़कों का हाल किसी नदी जैसा हो गया जिसमें गाड़ियां रेंगती नजर आई, क्योंकि बारिश की वजह से देहरादून की हर सड़क पर बस पानी ही पानी नजर आया। आसमान से बरसी आफत के बाद वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे खड़ी कई कारें छत तक डूबी नजर आई। 3 फीट से ज्यादा भर चुके बारिश के पानी को चीरते हुए एक बस वहां से गुजरती दिखी, हालांकि उसका भी ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। बारिश से बीच सड़क पर बने गड्ढों ने लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी। एक कार सड़क किनारे बने गड्ढे में फंसी दिखाई दी, जिसे निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं सड़क पर भरे पानी की वजह से एक गाड़ी खराब हो गई, जिसे बाद में धक्का लगाकर ले जाना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर पहाड़ खिसक गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से मलबा गिरता नजर आया। भारी बारिश की वजह से यहां पहाड़ का आधा हिस्सा टूट गया और काफी देर तक उसका मलबा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरता रहा। ऐसे में थोड़ी ही देर में हाईवे पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा। बताया गया कि रास्ता बंद होने की वजह से हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिसके बाद रास्ता साफ करने का काम शुरू किया गया और जल्द ही रास्ता फिर खोल दिया गया, जिससे हाईवे पर फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। देश में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इस सबके बीच में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस को घेरा। पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर हमला बोला और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए यूसीसी पर अपना रुख साफ करने को कहा। पिनराई विजयन ने ट्वीट किया कि क्या कांग्रेस का समान नागरिक संहिता पर कोई साफ रुख है? उनकी संदेहास्पद चुप्पी भ्रम पैदा कर रही है। जब भारत की बहुलता पर संघ परिवार के हमलों का विरोध करना समय की मांग है, तो क्या कांग्रेस उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार है? उत्तराखंड की ये मुसीबत कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होगी, जिससे जमीन खिसकने का खतरा रहेगा। हालांकि उत्तरकाशी जिले में पहले से हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरभराकर सड़क पर आ गए। और दहशत पैदा करने वाली इन तस्वीरों को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े नीचे गिरते दिखे। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पत्थर नीचे आए उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। हालांकि वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर कुछ लोग सड़क पर खड़े दिखे। पहाड़ी से पत्थर गिरने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी में मनेरी के पास बंद हो गया। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जुलाई तक उत्तराखंड के इन जिलों में आसमानी आफत बरसती रहेगी। गुजरात के नडियाद खेड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद वो कार अंडरपास से गुजर रही थी, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से कार का इंजन बंद हो गया और वो वहीं फंस गई, जिसकी वजह से कार में सवार लोग फंस गए। इस घटना को देख कई लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन अंडरपास में पानी ज्यादा होने से वो लोग उसमें घुसने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी का एक छोर कार में बांधा गया और दूसरा छोर एक ट्रक में बांधा गया। इसके बाद अंडरपास में फंसी कार को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी को चोट ऐसी नहीं आई है, लेकिन गाड़ी में थोड़ा नुकसान हुआ है। बताया गया कि कार का ड्राइवर अंडरपास में भरे पानी का अंदाजा नहीं लगा सका, जिसकी वजह से कार उसमें डूब गई।